फ्रेंड्स, बर्गर किंग में ऊपर के भाव यानी कि 200 प्लस के भाव से जो भी लोग फंसे थे वो काफी दिनों से यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कर कर अपना भाव कब आएगा ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और ऊपर से आज बर्गर किंग ने 10% की लोअर सर्किट लगा दी तो उन ट्रेडरों को और भी परेशानी बढ़ गई है जिन लोगों ने 1 से 2 वीक के लिए इस शेयर को लिया था। तो फ्रेंड्स, अभी रिजल्ट की डेट तो अनाउंस नहीं हुई, मगर मुझे लगता है अगले वीक में शायद डेट आ सकती है और किस दिन रिजल्ट आएगा उस बारे में हमको पता चल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है अगर बर्गर किंग पिछले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में जो भी पूरा हुआ है उसमें 300 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाती है तो शेयर में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ से क्या फ्रेश एंट्री लेने लायक ये शेयर है तो उस बारे में मेरा क्लियरली मानना है कि इस शेयर को हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और यहाँ से आप 25% या 50% शेयर आप बाय कर सकते हैं जैसे आपकी रिस्क की कैपेसिटी हो। और मेरा ये मानना है ये करेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो 130 रुपये के लेवल पर ये करेक्शन समाप्त हो जाए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। तो वहाँ पर अपनी बाकी की क्वांटिटी एड करके आप 1 साल के लिए 240 तक के लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। पर मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कहना चाहूँगा कि इस शेयर को हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी ने अपने IPO के दौरान जो अपने बिजनेस एक्सपांशन का प्लान बाजार के सामने रखा था वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और ये बहुत ही तेज गति से अगले 3-4-5 साल तक ग्रो कर सकता है। तो ऐसे शेयरों को हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में हमेशा ग्रोथ स्टॉक पर फोकस रहता है और ऐसे शेयरों का PE रेशियो भी बहुत ही हाई होता है, और FII DII जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा ऐसे शेयरों में अपनी पोजीशन बढ़ाते ही रहते हैं। और फ्रेंड आज जो लोअर सर्किट लगा तो मेरा ऐसा मानना है आज शायद हमारे ऊपर के भाव पर फंसे हुए रिटेल निवेशकों ने पैनिक किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। फ्रेंड्स, अगर इस शेयर को कोई पसंद करता है तो आप यहां से 25% या 50% क्वांटिटी अभी बाय कर सकते हो आज ही के दिन, बाकी बची हुई क्वांटिटी 130 रुपये के लेवल के आसपास बाय करना फायदेमंद रहेगा ऐसा मेरा मानना है। और आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रखें तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होने की संभावना है।